हेलो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है बॉयलर ट्यूब फेलियर से लिया है कि बॉयलर ट्यूब फेलियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और भी पढ़ेंगे हम सारे बॉयलर ट्यूब के बारे में कि हाँ बॉयलर ट्यूब फेलियर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो इनके सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जिसके बारे में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पेपर्स में आते हैं, अगर हम बीओई पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या फिर अगर हम बात करें बॉयलर ऑपरेटर में भी, हमारे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो अटेंडेंट हैं उसमें भी बहुत बार पूछा जाता है कि हाँ लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग और शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग, क्योंकि बॉयलर ऐसा चीज है कि हमें उसके बीमारी के बारे में सबसे ज्यादा पहले पता होना चाहिए, बाकी वो कैसा बिहेव करेगा अगर वो बीमार है। तो बीमारी के बारे में हम बात करें तो एक ओवरहीटिंग के साथ के कारण ट्यूब फेलियर एक बीमारी ही है। तो ओवरहीटिंग हो रहा है यानी कि वो उस बीमारी को पकड़ना है हमें, तो वो किस टाइप की बीमारी है। जब हमारे पास ट्यूब फेलियर के बाद जब ट्यूब का सैंपल आता है, फेलियर जो पार्ट है उसका जब सैंपल हमारे पास आता है, तो उस सैंपल को देख करके ही हम बता सकते हैं उस ट्यूब के सैंपल को कि वो लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग के कारण है या शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग के कारण है। ठीक है, तो इनके डिफरेंसेस के साथ साथ इनके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम इनको, और दूसरी बात कि ये मतलब इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इनको प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके इमेजेस के बारे में। तो आपको दिख रहा है हमारे पास दो इमेजेस बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों में देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ दोनों काफी अलग है एक दूसरे से। ये हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग कारण है और ये हमारा लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग कारण। इनके डिफरेंसेस हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ें। शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग में क्या होता है कि जब भी मेटल टेम्परेचर, ये नॉर्मली क्या होता है, शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग मोस्टली हमारे सुपर हीटर्स में, री हीटर्स में और वाटर वॉल्व में होता है। ठीक है, इकोनोमाइजर्स में नहीं होता है, बहुत ही रेयरेस्ट रेयर केस है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि हीट हमारा ज्यादा नहीं होता है। ये होता क्यों है फेलियर, शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि कम समय में ओवरहीट हो जाना। ठीक है, ओवरहीटिंग मतलब हमारा जो मेटल टेम्परेचर है उसकी जो रेंज है, उस रेंज को पार करके जब वो टेम्परेचर उस चीज को उस रेंज के बाहर चला जाता है तो ओवरहीट होकर के, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रेशराइज वाटर फ्लो हो रहा है, चाहे स्टीम फ्लो हो रहा है, हमारे जो वाटर वाल है उसके अंदर प्रेशराइज फीड वाटर फ्लो हो रहा है, और अगर हमारा सुपर हीटर री हीटर है तो उसके अंदर प्रेशराइज स्टीम फ्लो हो रहा है। तो अगर हमारा मटेरियल जो है उसका जो टेम्परेचर है उस मेटल टेम्परेचर के लिमिटेशन से ऊपर चला जाता है तो उसका यील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि वो जो अंदर का प्रेशर है उसको ब्रेक कर देगा, फाड़ देगा। तो ऑब्वियस बात है कि शॉर्ट टर्म में यानी कि अगर किसी भी ट्यूब को हम इंस्टेंटली अगर वो फटता है, जब वो इंस्टेंटली फटेगा, आप देखे होंगे ब्लास्ट, अगर ट्यूब आप अपने साइकिल का भी ट्यूब देखते होंगे, अगर वो फटता है तेजी से तो क्या होता है, वो बिखर जाता है काफी हद तक। तो ये वही बिखरने के शेप में है कि जब शॉर्ट टर्म में मतलब तुरंत हुआ, ओवरहीट हुआ और वो बिखर गया तो बड़ा सा मुंह खुलेगा, इसको बल्जिंग भी बोलते हैं, जहां एक तरह से हाँ बल्जिंग हो गया। ठीक है, मेटेरियल फेलियर हो गया तो ये क्या होता है, बल्जिंग की तरह से बल्ज करके इसका माइक्रोस्ट्रक्चर जो वहां का है वो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, मतलब जो रेजिस्टेंस है इसका, मेटेरियल का रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है और वो इंस्टेंट फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये बड़ा सा मुंह खुलता है, वो दिख रहा है, ये जब इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा तो ये बड़ा सा मुंह खुलेगा, इसको फिश माउथ भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो मछली का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है, आपको मछली का मुंह दिखा होगा, आप देखे होंगे तो जो मछली का मुंह होता है वो खुला हुआ होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल फिश माउथ इसको बोलते हैं। हाँ ये, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जो इसका लिप है, आप देख पा रहे हैं इसको हम लिप बोलते हैं। ठीक है, लिप मतलब होठ होता है, तो लिप जो है इसके केस में जो होता है शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग के केस में, अब आप खुद ही सोचिए कि जब वो तेजी से फटेगा तो क्या होगा कि जो उसके लिप होंगे वो बहुत ही थिन हो जाएंगे, मतलब बहुत ही पतले हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है कि मतलब अब जो फटेगा तो मटेरियल एक दूसरे को छोड़ेगा वहां से, तो क्या होता है इस कंडीशन से वो थिक नहीं होते, मतलब मटेरियल एक जगह से सेपरेट नहीं होता है, खिंचाव के कारण अलग होता है, इसलिए उसको थिन लिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके जो लिप होता है वो थिन होता है। इसको फिश माउथ भी बोलते हैं। ठीक है, कहा पूछा जाता है कि हाँ फिश माउथ जो होता है वो किसमें होता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग के कारण फिश माउथ जनरेट होता है, उसको हम ऐसा बोलते हैं, फिश माउथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक चीज सोचिए कि हमारा, हमने पहले भी पढ़ा था
जब हमारा लास्ट टॉपिक था इसके पहले वाला, हमने डिस्कस किया था कि हाँ मेटेरियल टेम्परेचर के बारे में सुपर हीटर्स के। अभी हमने क्या बोला था कि अगर हमारा रेडिएंट सुपर हीटर है तो उसका मेटेरियल टेम्परेचर, उसके अंदर जो स्टीम है उसके डिजाइन टेम्परेचर से 50 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा 540 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रेडिएंट हमारा जो है वो फाइनल सुपर हीटर है, ठीक है, अगर हम मान चलते हैं और उसमें कोई सुपर हीटर नहीं है, तो 540 प्लस 50 यानी कि 590 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको रेजिस्ट कर पाएगा। लेकिन अगर वहां का टेम्परेचर 590 यानी 600 से ऊपर हो जाए, 650 हो जाए, तो ऑब्वियस बात है कि वो तुरंत फेलियर हो जाएगा और उसका माइक्रोस्ट्रक्चरल जो है वो बिहेवियर है वो रिएक्ट तुरंत रिएक्ट करेगा, मतलब और वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा अंदर जो बॉन्डिंग है उनके मटेरियल के बीच में वो ब्रेक हो जाएगा और वो तुरंत फेलियर हो जाएगा। वहीं उसके अपोजिट में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे इफेक्ट करता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म में महीनों में सालों में होता है, इफेक्ट करता है। और इनके जो लिप होता है, इसका जो थिक लिप बोलते हैं इसको, ये थिन नहीं होता है, ये थिक होता है, यानी कि इसका जो लिप होता है वो मोटा होता है। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल थिक लिप होता है, मतलब ये इसका मुंह बहुत कम खुला हुआ होता है। आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसका ये जो है ये लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग है। अब इनके फैक्टर्स क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है, अभी हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, पहले हम वन टू वन शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग के बारे में, ये हमारा शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग है तो शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग के बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि डीएनबी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लियेट बॉइलिंग, जो हमारा न्यूक्लियेट बॉइलिंग है उससे ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है कि मटेरियल हमारा जो वहां पे, अगर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर वहां से डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लियेट बॉइलिंग होता है तो फिल्म बॉइलिंग हो जाती है। तो फिल्म बॉइलिंग के केस में क्या होता है कि जो मेटल है वो प्रॉपर कूल नहीं हो पाता है, तो वहां पर क्या होता है फेलियर हो जाता है। तो उसमें हमारा डिपार्चर फ्रॉम न्यूक्लियेट बॉइलिंग और ड्राई आउट ऑफ वाटर, यानी कि हमारे ट्यूब्स में अगर वाटर नहीं रहा, किसी भी रीजन से ड्राई आउट हो गया, बीएफपी ट्रिप हो गया, या एक्स वाई जेड रीजन से ड्रम लेवल मतलब एक्सेस ब्लोडाउन दे दिया चला गया, या फिर कोई भी किसी भी रीजन से मैनुअल फेलियर हो जाता है और वाटर ड्राई आउट हो जाता है, तो भी उस केस में ओवरहीटिंग के कारण वो फेलियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, फास्ट रैंप ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टअप। अगर हम क्या करते हैं कि हम कोल्ड स्टार्टअप कर रहे हैं, हमारा सब कुछ ठंडा है, हमने सुपर हीटर्स में भी पढ़ा था कि अगर हमारे वर्टिकल सुपर हीटर्स हैं तो उनके क्या होते हैं चैनल्स में वाटर रह जाता है, पूरा पूरा नॉन ड्रेनेबल टाइप वो होता है, कंप्लीटली ड्रेन नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में अगर हमने फास्ट रैंपिंग किया, मतलब जो लाइट अप है वो बहुत तेजी से किया, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि जो हम अगर हम हीट ज्यादा एक्सेस ऑफ हीट दे देते हैं फर्नेस के अंदर, तो वहां पे भी चांसेस होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग के। ठीक है, फास्ट रैंपिंग अगर हम कोल्ड स्टार्टअप में करते हैं तो। दूसरा क्या है, लो वाटर लेवल, ड्रम के अंदर अगर लो वाटर लेवल है तो इसीलिए हमारा लो वाटर लेवल पे हमने जो बोला गया है कि हमारे जो बॉयलर ट्रिपिंग का होता है कि हाँ वाटर लेवल लो पे स्टैंड ट्रिपिंग का इसीलिए रखा जाता है कि हाँ वहां पर शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग ना हो। ठीक है, उसके बाद स्केल इनसाइड द ट्यूब, अगर ट्यूब के अंदर स्केल फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो जाएगा कि मेटल टेम्परेचर वहां का भाई कूल नहीं पाएगा, जो अंदर वाटर के अंदर जो अंदर वाटर और स्टीम फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर उस मेटल को कूल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा वहां पर भी हीट एक्सेस ऑफ हीट लिब्रेशन के कारण वहां पे कूलिंग नहीं हो पाएगी, तो उसके कारण भी हमारा फेलियर हो जाता है। हाई हीट फ्लक्स इन द फर्नेस, हमने अचानक फर्नेस के अंदर बहुत ज्यादा हीट दे दिया, बहुत फ्यूल दे दिया, हाई हीट फ्लक्स भी देगा, उस हीट फ्लक्स को वो मटेरियल प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और उसका मेटल टेम्परेचर उसकी लिमिटेशन से ऊपर चला जाए। जो अगर हम बात करते हैं हम वाटर वाल्व की जो लिमिटेशन होती है, हाँ उनकी टेम्परेचर के हिसाब से 400 के आसपास रखते हैं, 400-450 के आसपास रखते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर उसका मेटल टेम्परेचर का पड़ जाए। हम मेटल वाटर वाल्व के मेटल टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पूरा एक बनाएंगे कि हाँ जो बॉयलर का होता है, बॉयलर के पार्ट्स का मेटेरियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जैसा कि हमने सुपर हीटर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में हम अगला वीडियो या फिर आगे वाले आने वाले वीडियो में हम उसको कंसीडर करेंगे। तो अगर हमारा हाई हीट फ्लक्स हो जाता है, यानी कि हीट फ्लक्स ज्यादा हो जाता है बॉयलर के अंदर, तो भी हमारा उसमें चांसेस होते हैं शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग के। लीकेजेस इन वाटर वॉल्व ट्यूब, अगर लीकेज हुआ किसी भी, आप सोचिए कि जिस वाटर वॉल्व के अंदर फ्लो हो रहा है, अगर वहां पर लीकेजेस हुआ तो जितना फ्लो उस लीकेज के ऊपर
हमको वाटर को चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये किसी भी एक ट्यूब कप ले लीजिए, अगर वो यहां से लीकेज हो जाता है तो यहां पे जो फ्लो हो रहा है और ऊपर जो फ्लो हो रहा है, नो डाउट यहां का जो फ्लो नीचे का जो लीकेज के नीचे का फ्लो होगा वो ज्यादा होगा और लीकेज के ऊपर का फ्लो होगा वो कम होगा। तो कम होने का मतलब क्या हुआ कि हमको प्रॉपर वहां पे कूलिंग नहीं मिलेगी और वो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज इन द ट्यूब, हम ये भी बोल रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, एक तरह से स्केल वाला भी है। अगर किसी भी रीजन से वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है तो किस कोई भी फॉरेन मटेरियल की वजह से पार्शियली ब्लॉकेज हो जाए या फिर कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाए तो भी वो फेलियर हो जाएगा आगे के पोर्शन जो है, क्योंकि वहां पे फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जहां पर है वहां पे फ्लो रिस्ट्रिक्ट हुआ तो प्रॉपर मटेरियल कूल नहीं हो पाएगा तो वो फेलियर हो जाएगा। तो ये हमारे लगभग जो शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग के फैक्टर्स हैं कि किन किन वजह से ये पूछा जाता है। तो आप इनको समराइज भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं चाहूंगा कि हाँ बस आप इसको एक बार इमेजिन करें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ कैसे आपको करना है। क्वेश्चंस बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे व्यूज में पूछा गया है और रिपीटेटिंग टाइप है और आपको मतलब प्रैक्टिकली इसका यूज भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग के बारे में, LTOS के बारे में, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ डिपोजिट, मतलब ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, मतलब एक अचानक नहीं हो जाएगा। ठीक है, धीरे 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 एक्यूमुलेशन हो जाएगा, कोई डिपोजिट एक्यूमुलेट हुआ और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कारण क्या होगा कि वहां का जो मटेरियल है वो धीरे 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 ओवरहीट होता रहेगा, ओवरहीट होता रहेगा और एक लिमिट के बाद वो हो सकता है महीनों सालों कई साल लग सकते हैं और ओवरहीट होने के बाद वो फेलियर हो, क्योंकि वहां का जो मटेरियल है, अगर यहां पर ओवरहीट हो रहा है धीरे धीरे तो क्या होगा कि यहां पर मटेरियल जो है धीरे धीरे वीक होगा एज कम्पेयर टू इसके अगल बगल, यहां के मटेरियल ज्यादा नहीं होंगे इफेक्टेड जहां पर, लेकिन यहां जो डिपोजिट है वहां का मटेरियल धीरे धीरे इफेक्टेड होगा और यहां पर ये इफेक्टेड होने के बाद यहां फेलियर होगा। तो ये क्या होता है, बहुत इंस्टेंटली नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि इसके मटेरियल जो है धीरे 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 वीक होते हैं और फिर अचानक से खुल जाते हैं, तो इसलिए ये पूरा पूरा नहीं खुलता है और ये छोटा सा क्रैक होता है। एक आप इमेजेस और भी आपके साथ आपको इंक्लूड करूंगा। दूसरा क्या है कि लो लोड ऑपरेशन, अगर हम बहुत बार काफी टाइम तक लो लोड ऑपरेशन करते हैं उसमें भी हमारा ऐसा चांसेस है कि हमारा लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग के चांसेस हो सकते हैं। चलते हैं, पहला हम बात करते हैं लो लोड ऑपरेशन में क्या होता है कि नॉर्मली हमारा मतलब रिपीटेटिंग जो है प्रॉपर हमारा लोड के साथ साथ जो फ्यूल इवॉल्व हुआ वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तो उसके केस में भी हमारा फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या है, डिलेड ऑफ सेकेंडरी कंबस्टन, यानी कि अगर हमारा जो फ्यूल है उसके अंदर वो एस टाइप का है कि उसके अंदर सेकेंडरी कंबस्टन हो रहा है, यानी कि जहां पे वो फायरिंग होना चाहिए वहां पे फायरिंग ना होकर प्रॉपर हीट लिबरेट ना करके वो अपर जोन में यानी सुपरडस जोन में भी वहां पर हीट इवॉल्व कर रहा है, वहां भी कंबस्टन हो रहा है, उसको सेकेंडरी कंबस्टन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंडरी कंबस्टन के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिलेड और सेकेंडरी कंबस्टन पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में, तो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में ये हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिलेड या सेकेंडरी कंबस्टन यानी कि प्राइमरी कंबस्टन जहां पर फ्यूल हमने फायर किया वहां पर फ्यूल पूरा फायर ना होकर के जब हमारा सेकेंडरी कंबस्टन होता है यानी कि अपर पोर्शन में, ज्यादातर जब हमारा वीएम जब होता है हमारे यहाँ फ्यूल में तो वो क्या होता है कि वीएम जो होता है फटाक से निकल जाता है, एक तरह से गैसेस होता है तो वो ऊपर जाकर सेकेंडरी कंबस्टन क्रिएट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो डिलेड और सेकेंडरी कंबस्टन यानी कि जब सेकेंडरी कंबस्टन होगा तो जो हीट यहां से गया और दूसरा जो हीट वहां लिबरेट हुआ सेकेंडरी कंबस्टन के कारण वो दोनों इफेक्ट करते हैं तो वहां पर सुपरड्रस के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो चौथा है क्रीप फेलियर बोलते हैं, क्रीप फेलियर लगभग जो हर आप बोल सकते हैं कि हर वो मटेरियल जिसके अंदर जो पर्टिकुलरली किसी स्ट्रेस के अंदर वर्क करता है, चाहे वो हमारे टर्बाइन भी हो, टर्बाइन में हमारा जो रोटेट करता है उसमें भी क्रीप फेलियर के चांसेस होते हैं, बॉयलर भी है। इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर के अंतर्गत रिपीटेटिंग स्ट्रेस यानी कि जो उसके ऊपर स्ट्रेस काम कर रहा है, तो हमारा क्या होता है कि हमारे जितने भी वाटर वॉल्स हैं, सुपर हीटर्स हैं, रीहीटर्स हैं, वो एक उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस डेवलप रहता है। ठीक है, और वो एक हाई टेम्परेचर, तो ये क्या होता है कि एक रिपीटेटिंग काफी टाइम बाद लगभग 10,000 एक लाख मतलब काफी टाइम साइकिल के बाद ये क्या होता है कि अपने आप वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो फेलियर रहता है, जिसको हम क्रीप फेलियर बोलते हैं। एक लॉन्ग टर्म टेम्परेचर बेस्ड अंडर स्ट्रेस के कारण जो फेलियर होता है, स्ट्रेस के कारण, रिपीटेटिंग स्ट्रेस के कारण जो फेलियर होता है उसको हम क्रीप स्ट्रेस बोलते हैं।
तो क्रीप फेलियर के कारण ये हर चीज हर मोमेंट हर मूविंग चीज में होता है, इक्विपमेंट्स में होता है। जो भी मूविंग इक्विपमेंट है उसकी एक लाइफ होती है, और अगर वो स्ट्रेस के अंदर वर्क कर रहा है तो एक टाइम के बाद वो फेलियर हो जाता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड वाटर और स्टीम फ्लो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव हीट। ठीक है, ये हमारा लगभग यहां भी था, शॉर्ट टर्म में भी था, लेकिन ये अगर हमारा मतलब ये पूरा मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा कभी कभी रिस्ट्रिक्ट होता है, कभी कंटिन्यूस चला जाता है फ्लो, तो ये ऐसा है कि मतलब वेरिएबल टाइप का है। इंस्टेंटली अगर ये रुक जाए तो अलग बात है, लेकिन वेरिएबल टाइप का है तो बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो इफेक्ट करेगा, धीरे धीरे मेटेरियल को इफेक्ट करेगा और वो लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग का शिकार हो जाएगा। फ्लेम शिफ्टिंग यानी कि अगर किसी भी रीजन से फ्लेम हमारा किसी एक जगह पे शिफ्ट हो रहा है, इंपिंज हो रहा है और अपने टिल्ट हो गया है, या फिर अगर आप बोल सकते हैं कि फ्रंट फायरिंग वाले जहां बॉयलर होते हैं जहां पे टेंजेंशियल की जगह फ्रंट फायरिंग भी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ग्रेट फायरिंग होती है वहां भी जो जहां पर हीट ज्यादा लिबरेट होती है और अगर वो हीट डायरेक्ट इंपिंज हो रही है ट्यूब्स पे तो वहां पे भी लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग के इंपैक्ट चांसेस रहते हैं। कूलिंग तो होती है नो डाउट, जो वाटर वहां से जा रहा है वो कूल करेगा, लेकिन क्या होता है धीरे 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 जो उसकी लिमिटेशन है वो फुलफिल नहीं कर पाती है, टेम्परेचर मेटल की टेम्परेचर लिमिटेशन, और वो फिर क्या होता है लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग का शिकार हो जाता है और उसमें आपको दिख जाएगा कहां आपको ये फेलियर इस टाइप का थिक लिप लीकेज थिक लिप टाइप ऑफ फेलियर दिखेगा। तो ये हमारा लगभग हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग हुआ कि किस टाइप के फेलियर होते हैं इसके अंदर। और जो लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग होता है वो 90% कुछ कुछ केसेस में होता है इकोनोमाइजर में, लेकिन 90% हमारे वाटर वेल्स में, सुपर हीटर्स में और रीहीटर्स में होते हैं। बट जो शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग होती है मान के चलिए कि 99% तक, यानी 100% ही आप मान के चलिए कि जो होते हैं ये सुपर हीटर्स, वाटर वेल और रीहीटर्स में होते हैं। इकोनोमाइजर के चांसेस यहां बहुत कम होते हैं, बट लॉन्ग टर्म सुपर जो ओवरहीटिंग होता है उसमें कुछ मात्रा में इकोनोमाइजर में फेलियर के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ और इसमें एक दो चीजें और हैं लॉन्ग टर्म सुपर हीटर्स लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग में, लेकिन वो क्या है ग्रेविटाइजेशन के भी हैं और इनके जो माइक्रोस्ट्रक्चरल जो एक्टिविटीज के भी हैं और ऑक्सीडेशन के कारण भी होता है, लेकिन ये तब हम पढ़ेंगे जब हम आयरन कार्बन डायग्राम को पढ़ेंगे, उसको भी हम लाएंगे आगे, उसके साथ इसको इंटीग्रेट करके हम चलेंगे, क्योंकि वो अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो रियल में आप उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो एक दो और रीजंस हैं, दो तीन रीजन और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, बट हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम आयरन कार्बन डायग्राम को पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम उसको अटैच कर लेंगे और फिर हम उसके बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग का डिटेल्स हुआ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और भी धीरे धीरे आगे कंटेंट मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।